अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हमने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में फ्लेम टेस्ट के ज़रिए आइडेंटिफाई करना है सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कॉपर, पोटाशियम रेडिकल्स को। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें अपरेटस चाहिए उसमें कॉपर क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, यानी कि आपने डिफरेंट साल्ट के क्लोराइड ले लिए। फिर हमें चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, स्प्रिट लैम्प, मैच बॉक्स, बीकर, वॉच ग्लास, ग्लास रोड और ये प्लाटिनियम या नाइक्रोम वायर हमें चाहिए। ये देखिए, ये मैंने इसको जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हीट डिप करने के बाद मैंने इसको हीट किया है। कब तक करना है? तब तक ये कोई कलर शो ना करे। जी स्टूडेंट्स, देखें अब ये कोई कलर शो नहीं कर रहे, तो अब मैंने इसको जो ये जो नाइक्रोम वायर है इसको मैं साइड पर रख दूंगा। फ्रेंड्स, ये मेरे पास नाइक्रोम वायर है, इसको मैंने क्या करना है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिप करना है। ये डिप किया मैंने, बाद में मैं इसको क्या करूँगा कि हीट करूँगा। तब तक इसको हीट करना है कि तब जब तक ये कोई कलर शो ना करे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब ये कोई कलर शो नहीं कर रहा, तो अब मैं क्या करूँगा, इस नाइक्रोम वायर को साइड पर रख दूँगा। फ्रेंड्स, ये मेरे पास कॉपर क्लोराइड साल्ट है, इसको मैं वॉच ग्लास में इसकी स्मॉल अमाउंट ले लूँगा और इसका इसमें मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करूँगा ड्रॉपर की मदद से, और इस साल्ट का मैं थिक पेस्ट बना लूँगा। ये देखिए, ये मैंने साल्ट ले लिया, अब मैं इसमें ड्रॉपर की मदद से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करूँगा और इसको अच्छी तरह से इसका साल्ट बना लूँगा, थिक साल्ट, और फिर कुछ देर के लिए परा भी रहने दूंगा ताकि ये अपने क्लोराइड में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ये देखें, अब ये ग्लास रॉड की मदद से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका थिक पेस्ट बना लेना आप लोगों ने। जी स्टूडेंट्स, मैंने कॉपर क्लोराइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया और कुछ देर परा रहने दिया और इसका ये देखें थिक पेस्ट बन चुका है। अब इसमें क्या करूँगा, आपने नाइक्रोम वायर ली, इसका एंड पे लूप बना लेना है। लूप कैसे बनाना है, जस्ट इसको इस तरह से टर्न कर लेना है ज़्यादा दफ़ा, ठीक है। अब टर्न करके आपने क्या करना है कि इसमें स्मॉल अमाउंट इसकी जो है ना ये दे लेनी है। ये देखिए, और इसको हम फ्लेम की मदद से क्या करेंगे, हीट करेंगे और इसका कलर नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मैंने कॉपर क्लोराइड ले लिया, अब मैं इसको फ्लेम के ऊपर करूँगा और इसका कलर देखूँगा कि ये किस कलर के साथ जलता है। आप देख सकते हैं कि ये ब्लूश ग्रीन कलर है, यानी कि ब्लू कलर है और उसमें हल्का सा ग्रीन कलर है, ये देखें, ठीक है ना। तो ये जो ब्लूश ग्रीन कलर है ये कॉपर क्लोराइड का होता है, यानी कॉपर का होता है, इसका मतलब है जो हमारे पास साल्ट था वो कॉपर था। साहब, मैंने नेक्स्ट साल्ट को टेस्ट करना है, तो उसके लिए नाइक्रोम वायर को अच्छी तरह से दोबारा साफ करेंगे हम, धोएंगे और दोबारा नाइट्रिक एसिड में इसको डिप करेंगे। ये देखें, ये नाइट्रिक एसिड था, इसमें डिप किया और दोबारा इसको हीट करेंगे। तब तक हीट करेंगे ये कोई कलर इम्पार्ट ना करे। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने पहले एक दफ़ा टेस्ट किया है तो वो पुराना कलर भी शो कर सकता है, जिस तरह से ये देखें स्टार्ट में इसने ब्लू कलर शो किया था लेकिन अब नहीं कर रहा। ये फ्रेंड्स, अब मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब मैंने कैल्शियम क्लोराइड को वॉच ग्लास में ले लिया, अब मैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करूँगा और उसी तरह से इसका थिक पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, मैंने कैल्शियम क्लोराइड का थिक पेस्ट ले लिया और मैं अब इसको क्या करूँगा कि इसको फ्लेम पर मैं जलाऊंगा और इसका कलर देखूंगा कि क्या कलर आता है। आप देख सकते हैं कि जब मैंने कैल्शियम क्लोराइड को हीट किया तो ये ब्रिग रेड कलर आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि ईंट जैसा कलर है। ये देखिए, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो साल्ट है ये कैल्शियम का है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, डिफरेंट साल्ट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पेस्ट लेंगे और फिर उसको लू पर आकर उसको हीट करेंगे फ्लेम में, तो जौन सा कलर आएगा वो ऑब्जर्वेशन नोट कर लेंगे। अब डिफरेंट साल्ट जो है वो डिफरेंट कलर शो करते हैं। जी स्टूडेंट, हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 24 परफॉर्म किया है, जिसमें हमने डिफरेंट रेडिकल को आइडेंटिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेम टेस्ट, जिसमें आइडेंटिफाई सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, कॉपर, पोटाशियम रेडिकल बाई फ्लेम टेस्ट। तो इधर कलर ऑफ फ्लेम नोट किया और इधर इन्फ्रेंस नोट किया। सबसे पहले क्या किया था, हमने नाइक्रोम वायर को नाइट्रिक एसिड में डिप किया था और उसको हीट किया था। बाद में हमने क्या किया था कि साल्ट लेकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसका थिक पेस्ट बनाया था और थोड़ी देर के लिए उसको परा रहने दिया था ताकि साल्ट उसके क्लोराइड में चेंज हो जाए। फिर हमने थिक पेस्ट को नाइक्रोम वायर का जो लूप है उसके ऊपर रखा था, तो हमने देखा ब्लूश ग्रीन कलर आया। अगर ब्लूश ग्रीन कलर आया तो इसका मतलब है कॉपर का साल्ट था हमारे पास। अगर इसी तरह से जब हमने नेक्स्ट परफॉर्म किया तो ब्रिग रेड कलर आए तो कैल्शियम है। स्टूडेंट्स, सिमिलरली जब हमने
जो है ना दूसरा साल्ट यूज़ किया तो हमने देखा ब्रिग रेड कलर आया, तो ब्रिग रेड कलर कैल्शियम का होता है। फिर हमने एक और साल्ट लिया तो क्रिम्सन रेड कलर आया, वो स्ट्रॉन्शियम का होता है। ग्रासी ग्रीन आया, वो बैरियम का होता है। फिर परसिस्टेंट गोल्डन येलो सोडियम का कलर होता है, और वायलट जो है वो पोटाशियम का कलर होता है। तो इस तरह से मैंने कलर की बेसिस पर डिफरेंट रेडिकल को आइडेंटिफाई किया फ्लेम टेस्ट इस्तेमाल करके।